बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इरफान आज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मेरे पास यूपीएसआई जी मैट्रिक्स 2000, ये पुराना मॉडल है जो होमेज कंपनी के शुरू शुरू में आए थे, ये वो वाला मॉडल है डबल बैटरी वाला। इसमें जो फॉल्ट है वो ये है कि एक तो ये यूपीएस अभी बिल्कुल डेड हालत में ऑन होता है और ऑफ़ हो जाता है, मतलब कि ट्रिप कर रहा है। दूसरा, इसके जो ये वाले टर्मिनल हैं ये पिघले हुए हैं। अब इनकी जगह पे नए टर्मिनल तो लग नहीं सकते क्योंकि ये सारी बॉडी यहाँ से पिघल चुकी है। अब इसका हल ये होगा कि ये इसके अंदर से तारें खोल के ये तारें बाहर निकाल दी जाएंगी और बाहर से जो नट बोल्ट के साथ जो वायर जो हैं वो लगा दी जाएंगी। और तीसरे नंबर पे इसका है जी ये वाला, देखें आपको नज़र आ रहे हैं ये टूटे हुए हैं इसके FET एक साइड के, ये देखें ये अलहदा हो गया, एक और दो और तीन, ये तीनों जो हैं ये ब्लास्ट हैं इसके। 3808 इसके अंदर ये लगे होते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो भी मैं आपको ये निकाल के फिर दिखाऊंगा कि इसकी यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है। तो शुरू करते हैं इसको, पहले इसके FET चेंज कर लेते हैं और ये वायर्स बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद इसको ऑन करके देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। अभी मैंने FET जो है वो बाहर निकाल दिए हैं और इसकी जो 10 ओम इसके साथ रेजिस्टेंस लगी होती हैं 10 ओम की और 20K की। 20K की मोस्टली ख़राब नहीं होती, ये बहुत कम होता है कि ये 20K ख़राब हो। 10 ओम जो है ये अगर ख़राब ना भी हो तो इसको कोशिश करना है कि इसको हमने चेंज ही कर देना है, क्योंकि अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे तो बाद में ऐसा होता है कि ये वीक हो जाती हैं। वीक होने की वजह से जब इसमें FET लगाएँगे तो FET दोबारा जो है वो ब्लास्ट हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि 10 ओम चेंज कर दें। 10 ओम चेंज करने के बाद हम वैल्यू चेक करेंगे तो देखें वैल्यू यहाँ पर जो है वैल्यू जो होनी चाहिए 6.7 या 6.6 वैल्यू जो है वो ठीक होती है, ये भी ठीक है और इसकी भी वैल्यू जो है वो ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें FET लगा के फिर हम इसको चेक करेंगे। इसकी वैल्यू पूरी ना अगर ना हो रही हो तो आपने 35-25 IC जो है उसको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल के देखें अगर वैल्यू पूरी हो जाए तो ठीक है, फिर इसका मतलब है कि आपका 35-25 IC जो है वो ख़राब है। इसका ये भी ख़राब था तो ये मैंने निकाला हुआ है। अभी ये भी नया लगाएंगे और साथ में जो FET हैं वो भी हम नए लगा देंगे। तो उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं कि UPS की कंडीशन क्या होती है। तो FET मैंने लगा दिए हैं। FET लगाने के बाद फिर हम एक दफ़ा वैल्यू जो है वो चेक कर लेंगे, क्योंकि बाद ऐसा होता है कि ये पुराने बोर्ड हैं ये जो है ना काफ़ी खस्ता हालत में होते हैं ये बोर्ड, इनको थोड़ा सा अगर ओवरहीट हो जाएं या कुछ भी अगर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इसको हम छेड़खानी करें तो इसके साथ तो ये कोई ना कोई प्रिंट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो अभी इसकी वैल्यू ठीक है, ऊपर वाले की भी हम एक दफ़ा वैल्यू चेक कर लेंगे। दोनों साइडों की वैल्यू कन्फर्म करने के बाद ही हम इसको करंट देंगे। तो इसकी भी वैल्यू पूरी है। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसको 24 वोल्ट जो सप्लाई है वो देकर देखते हैं कि UPS हमारा ऑन होता है या नहीं होता। तो ये देखें जी UPS जो है ये ऑन हो चुका है।
यूपीएस ठीक हो चुका है, तो अभी क्या करेंगे, इसको फिट कर देंगे और इसकी चार्जिंग वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि चार्जिंग का तो इशू है ही नहीं, तो इसलिए चार्जिंग अभी इसको मैं वीडियो में चेक करके नहीं बताऊँगा आपको। फाट जो ये था वो बूस्टर सेक्शन का था, तो अभी जो इसका फ़ैन वगैरह है जो ये मैं इसको यहाँ पर लगा दूँगा, और इसकी जो ये जो वायर हैं ये बाहर से निकाल देंगे, यहाँ से बाहर निकाल देंगे ताकि इसको बाहर से कनेक्टर इसके साथ लग जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ इरफान आज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।